प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से महाकाल नगरी उज्जैन में हुए सिंहस्थ की गड़बड़ियों का शोर एक बार फिर से सुनाई देने लगा है। जी हां, कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि महाकाल के नाम पर पैसा खाने वालों को सजा मिलेगी। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सिंहस्थ के दौरान हुई गड़बड़ियों पर शोर हुआ तेज। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी बोले, महाकाल के नाम पर पैसा खाने वालों को मिलेगी सजा। सिंहस्थ नगरी उज्जैन में हुई आर्थिक अनियमितताओं पर किया कटाक्ष। मंत्री जीतू पटवारी ही खरी खरी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सिंहस्थ घोटालों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच गड़बड़ी करने वालों को कड़े शब्दों में चेताया है। मंत्री जी का साफ कहना है कि महाकाल के नाम पर पैसा खाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने राजधानी भोपाल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। सिंहस्थ को लेकर जिस तरीके से भगवान महाकाल की नगरी में बड़ा आयोजन था, मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मांड में सहयोगात्मक रवैये के साथ सबको रहना चाहिए और ये शक्ति विश्व में एक नई जागृति लाएगी जो कुंभ के माध्यम से भगवान की आराधना से हुई है। ऐसी परिस्थिति में जैसा भी भ्रष्टाचार हुआ उसमें राजनीतिक दुराभाव से हम कार्रवाई करें, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। नफरत की राजनीति हमारे स्वभाव में। गौरतलब है कि पिछले दिनों विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने सिंहस्थ के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर लगाया था, जिसके बाद अब सत्ता में आते ही कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। यहीं मंत्री पटवारी ने ये भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सख्त निर्देश हैं कि बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पर जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने महाकाल के नाम पे पैसा खाया है, क्या वो छूटने चाहिए? हमारी सरकार, मैं समझता हूँ कि न्याय करने वाली सरकार है। कमलनाथ जी के स्पष्ट निर्देश है कि न किसी से नफरत से दुर्भावना से कार्रवाई हो और न कोई चोर छूटे, कानून को अपना काम करना चाहिए। समय आएगा, आपको परिवर्तन और न्याय दिखेगा। कुल मिलाकर मंत्री पटवारी ने महाकाल के नाम पर आर्थिक घोटाले करने वालों को चेताते हुए सख्त लहजे में गड़बड़ी करने वालों को संकेतों में चेताया है और कार्रवाई के भी संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।